वैशाली में बहुजन, वैशाली में बैकवर्ड। मैं लगभग 10 दिनों के बाद, 10 दिन घूमने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वैशाली में बैकवर्ड ही जीतेगा। इसकी वजह क्या है? पहली वजह तो है कि वैशाली लोकतंत्र की जननी है, सम्राट अशोक तथागत बुद्ध की कर्मस्थली है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये तस्वीरें देखिए, वैशाली में कण कण में धम्म है। वैशाली में आप वैशाली को जाति और पार्टी के नाम पर नहीं जीत सकते हैं। वैशाली में आप सोचिए कि किस तरह से पिछले, मैं जब 10 दिनों से घूम रहा हूँ और मैं 10 साल से बराबर कई सारे कार्यक्रमों में आता था, तो वैशाली जाति से ऊपर उठ चुका है, पार्टी से ऊपर उठ चुका है। वैशाली में OBC के लोग, चाहे वो कुशवाहा समाज के हों, चाहे निषाद समाज के हों, चाहे कुर्मी समाज के हों, पटेल समाज के हों, चाहे यादव समाज के हों, अति पिछड़े समाज के हों, चंद्रवंशी समाज के हों, आपको धम्म में और सामाजिक आंदोलन में मिलेंगे। वैशाली लोकतंत्र की जननी ही नहीं है, सोशल जस्टिस की धारा है यहाँ, सामाजिक न्याय की धारा है यहाँ, मूल निवासी का कंसेप्ट है यहाँ, बाम सेफ की जड़ें गहरी हैं, और यहाँ तमाम बहुजन नेताओं का जिस तरह से सम्मान है, बाबा साहेब अम्बेडकर हों, धम्म तो हैं ही, संत कबीर हों, संत शिरोमणि रविदास महाराज हों, फूले पेरियार अम्बेडकर हों, साहू जी महाराज हों, या जय जगदेव बाबू हों, जननायक कर्पूरी ठाकुर हों, रामविलास पासवान हों, मान्यवर कांसीराम साहब घर घर में बसते हैं, और यहाँ तमाम बहुजन नेताओं का भी सम्मान है, चाहे BSP सुप्रीमो मायावती हों, लालू यादव हों, रामविलास पासवान हों, ये सब बहुजन नेताओं का भी बड़ा सम्मान है, और इसलिए यहाँ इस बार गोलबंदी है बहुजन के नाम पर, बैकवर्ड के नाम पर। और हमहूँ वैशाली के बैकवर्डे हैं, तो ट्रेंड चलाइए, हमहूँ वैसा, मैं वैशाली जिला का ही हूँ, बैकवर्ड समाज से हूँ, तो यही ट्रेंडिंग है, और पूरा वैशाली बुद्धमय है सांस्कृतिक चेतना से लैस। और यहाँ कम से कम 3 लाख परिवार, चाहे OBC हो, अति पिछड़ा हो, पिछड़ा हो, बुद्धमय है, निषाद समाज के लोग बुद्धमय, और यही ताकत है, और यही वैशाली को इस बार रिप्रेजेंटेशन दिलाएगा। वैशाली में जो 75 सालों से सवर्ण समाज का रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ इस बार बैकवर्ड आएगा, पार्टी और जाति से ऊपर उठकर लोग बैकवर्ड के नाम पर, बहुजन के नाम पर वोट करने वाले हैं। तो सोचिए वैशाली कितनी फर्टाइल लैंड है, कितनी शानदार धरती है, कि बहुजन समाज के लोग जागरूक हैं, सचेत हैं, और यही मुझे बल देता है। बस आप सब लोगों से गुजारिश है कि आपकी छोटी छोटी मदद जो है, बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी बातें कह रहे होंगे, जब हमने नेशनल दस्तक शुरू किया था तब भी, हम नेशनल दस्तक में, जब TV छोड़ के नेशनल दस्तक में आए तभी दोस्तों ने समझाया था कि कहाँ जा रहे हो, कुछ नहीं होगा, लेकिन हमने बहुजन आंदोलन के जरिए काम किया, बहुजन आंदोलन को घर घर पहुंचाया, हमने कभी किसी बहुजन नेता के खिलाफ नहीं बोला, कभी किसी बहुजन दल के खिलाफ नहीं बोला, हमने कभी किसी बहुजन समाज के खिलाफ नहीं बोला। राजेंद्र प्रसाद सिंह ठीक ही कहते हैं, अपने ही लोगों की आलोचना करना, अपने ही लोगों को नीचे दिखाना, ये बहुजन समाज, पिछड़े समाज का स्वभाव है, इसलिए हम पिछड़े हैं, ये मानव का स्वभाव नहीं है। तो हम लोग जातियों में बांट कर हम पर राज किया गया, आज हम पार्टियों में बंट कर एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, और नतीजा क्या है कि कोई भी बहुजन दल आज सत्ता में नहीं है, और संसद में आज भी बहुजन 40% से ज़्यादा नहीं है, SC ST के लोग आज भी रिजर्व सीट से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, OBC का मिलाकर 40% तक आंकड़ा पहुंचता है, 60% आज भी लोग सवर्ण समाज के हैं। तो जैसे मीडिया में सवर्ण समाज का कब्जा है, जुडिशियरी में कब्जा है, ब्यूरोक्रेसी में कब्जा है, नौकरी में कब्जा है, जमीन पर कब्जा है, बिजनेस, खेल, सिनेमा में कब्जा है, सारे संसाधन पर कब्जा है, अर्थतंत्र पर कब्जा है, पैसा पर कब्जा है, थाना, पुलिस, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा है, उसी तरह से संसद में भी इनका 60% से ज़्यादा कब्जा है, और ये तभी ठीक होगा जब इस देश के SC ST OBC जाति और पार्टी से उठकर वो तमाम लोगों को जिताएंगे जो सामाजिक आंदोलनों से निकले हुए हैं। मैं पिछले 10 साल से नेशनल दस्तक के जरिए बहुजन समाज की आवाज़ उठा रहा हूँ, मैंने कभी किसी नेता और पार्टी में भेदभाव नहीं किया है। आप पार्टी में बटे हो सकते हैं, आप जाति में बटे हो सकते हैं, मेरे लिए बहुजन समाज ज़्यादा ज़रूरी है, बहुजन दल ज़्यादा ज़रूरी है, बहुजन नेता ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं एक पत्रकार के तौर पर ये करता रहूँगा, और मैं इसी बहुजन एकजुटता, बहुजन दल के नाम पर वैशाली में चुनाव लड़ने आया हूँ, और सफलता भी इसी नाम पर मिलेगी। 10 साल से पत्रकारिता करो, मैंने भारत के हर राज्य, हर शहर, राजधानी को देखा है। बहुजन समाज के लोग की एक ही मांग है कि आखिर बहुजन नेता एकजुट क्यों नहीं होते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर बहुजन नेता एकजुट नहीं होते हैं तो बहुजन दलों को एकजुट किया जाए,
आज सोचिए सवर्ण समाज के लोग, हजारों बहुजन दल हैं, सवर्ण दल हैं, लेकिन वो बीजेपी को वोट करते हैं। जिस दिन बहुजन समाज के लोगों ने ये चेतना जगा ली और वो बहुजन को वोट करने लगा, बहुजन मिशन मूवमेंट से जुड़े, बहुजन दलों से जुड़े लोगों को वोट करने लगा, तभी बहुजन संसद में 90% तक जाएंगे। पहले हम जातियों में बटे थे, अब हम पार्टियों में बटे हुए हैं, और इसीलिए बहुजन मूवमेंट कमज़ोर हुआ, बहुजन लड़ाई कमज़ोर हुई। मैं वहीं लकीर खींचना चाहता हूँ। मैंने मोबाइल से बहुजन मीडिया खड़ा किया, आज हजारों बहुजन समाज के पत्रकार काम कर रहे हैं, बहुजन चैनल काम कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग काम कर रहे हैं, जाट समाज, गुर्जर समाज, मराठा समाज, दलित समाज, पिछड़े समाज के लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग उसमें मेरी आलोचना भी करें, आलोचना सर आँखों पर, लेकिन भाइयों जातियों में मत बटिए, पार्टियों में मत बटिए। आपको बहुजन बनना पड़ेगा, बहुजन दलों को चुनना पड़ेगा, बहुजनों के 24 कैरेट गोल्ड दलों को चुनना पड़ेगा। जो बहुजन जहाँ से जीत रहा है उसको जिताइए, संसद भेजिए, और खासकर उन आवाज़, आज मायावती जी संसद में नहीं है, आज लालू यादव नहीं है, रामविलास जी नहीं रहे, मान्यवर साहब नहीं रहे, आज नीतीश कुमार को हाईजेक कर लिया गया, तो सवाल है कि अगला कौन। तो सड़क के मजबूत बहुजनों को भेजिए। देखिए सवर्ण समाज ने किस तरह से कन्हैया को बिहार में नहीं तो दिल्ली में एडजस्ट किया। एक खबरें चल रही है, अफवाह चल रही है कि मैं चंदा खोर हूँ। मैं 10 साल से बहुजन पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैंने 4 लोगों को विदेश भेजा है आपके चंदे की मदद से। आज तक नेशनल दस्तक के लिए मैंने चंदा नहीं मांगा है। हमें चुनाव लड़ने के लिए मैंने आपसे चंदा मांगा है, गुजारिश की। अब बताइए मैं 1 करोड़ रुपए कहाँ से लाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं यूट्यूब चैनल है आपका, आपको बता दूं ये यूट्यूब चैनल जो है वो एक संस्था है, एक यहाँ 20 लोग काम करते हैं और उनकी सैलरी की चिंता ही मुझे सताए रहती है। तो मैं तो वैशाली इसलिए आया हूँ कि वैशाली में 75 साल से कोई बहुजन नहीं जीता है। मैं वैशाली के 3 लाख घरों में रोज आता हूँ, 3 लाख परिवार मुझे पसंद करते हैं। तो 3 लाख में 2 से भी गुना कर दे तो 6 लाख वोट होता है बहुजन समाज का, जो जाति और पार्टी से ऊपर उठकर मेरे साथ जुड़े हैं। इसलिए मैं बहुजन बनकर चुनाव लड़ रहा हूं, और मैं पत्रकार भी हूं, तो बहुजन समाज की आलोचना, बहुजन नेताओं की आलोचना, बहुजन दलों की आलोचना नहीं करूँगा। मुझे अपने दुश्मन की पहचान है, मुझे अपने दोस्त की पहचान है। बहुजन समाज के दल तकलीफ़ों से खड़े होते हैं, बहुजन समाज के ताकत से, बहुजन समाज के नेता संघर्ष करके सत्ता में आते हैं, राजनीति में आते हैं। तो अपने ही समाज को नीचे दिखाने, अपने ही समाज को आलोचना करना, ये बहुजनों का ये मानवीय स्वभाव नहीं है, पिछड़े समाज का स्वभाव है। तो मेरे लिए सारे बहुजन नेता, सारे बहुजन महापुरुष, सारे बहुजन समाज के लोग सम्माननीय हैं, क्योंकि वो संघर्ष कर रहे हैं। मैं किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं जातिवाद मनुवाद के खिलाफ हूँ, मैं गरबराबरी के खिलाफ हूँ। और दूसरी बात, मैं वैशाली में संविधान की रक्षा करना चाहता हूँ, मैं वैशाली में आरक्षण की रक्षा करना चाहता हूँ। आप बताइए कि मुन्ना शुक्ला हों या बीना देवी जी हों, वो सवर्ण समाज से आती हैं, कल जब संविधान की बात आएगी तो वो कहाँ खड़ी होंगी, कल जब आरक्षण की बात आएगी तो वो कहाँ खड़ी होंगी। मुन्ना शुक्ला ने जिस तरह के जातिवादी सूचक शब्द बोले हैं, बीना देवी ने जिस तरह से रामविलास पासवान जी की पार्टी तोड़ी है, तो मुझसे आप ये उम्मीद नहीं रखिए कि मैं एक पत्रकार हूँ पहले, फिर चुनाव लड़ने आया हूँ, और चुनाव आपके दम पर लड़ने आया हूँ, बहुजनों के दम पर लड़ने आया हूँ, बहुजन दलों के दम पर लड़ने आया। और मुझे तमाम बहुजन दलों का समर्थन प्राप्त है, तमाम बहुजन नेताओं का समर्थन प्राप्त है, तमाम बहुजन समाज सेवियों का समर्थन प्राप्त है, और बहुजन जनता का समर्थन प्राप्त है, जिनकी आबादी बिहार की जनगणना 90% कहती है। तो बस आपसे गुजारिश है कि बहुजन समाज के अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, पिछले 10 साल आपने मेरे काम को पसंद किया है, तो आप मुझे छोटी छोटी आपकी मदद जो है वो बहुजन समाज की आवाज़ को संसद तक ले जाएगी, जहां हमारी आवाज़ें आज कमज़ोर पड़ गई हैं। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, और ये प्रतिक्रिया आपके लिए अहम है। और मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज के लोगों, जातियों में बांटकर आप पराज किया गया, पार्टियों में बटिए, बहुजन बनिए, एकजुट होइए, और जो बहुजन जहां से मजबूती से जीत रहा है उसको संसद भेजिए, ताकि आपकी संख्या संसद में 90% तक करना है। और जिस दिन बहुजनों की संख्या 90% होगी संसद में, उस दिन वो सड़क से लेकर चपरासी हो, चीफ जस्टिस हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, सिनेमा हो, सब जगह आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।